Hello everyone, in this video we are going to discuss about how to solve or how to realize the given expressions using CMF techniques. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो वेरिएबल और थ्री वेरिएबल CMF का यूज कैसे करेंगे और यूजिंग दिस पर्टिकुलर टू एंड थ्री वेरिएबल CMF हाउ कैन वी सॉल्व और मिनिमाइज द गिवन एक्सप्रेशंस. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव. So it is given the first example as f is equal to, or this is summation m, that is mean term, and mean terms are given 0, 1. Now whenever we are solving the KMF or we are solving anything using KMF, the first thing you should identify is the number of variables that we require, how many variables KMFs are required. Okay, for that case just go to check the last digit that is available. Here the last digit is 2. Now if it is 2, check for either it can be suitable for 2 variable, 3 or 4. देखिए अगर हम 2 variable का बात करेंगे तो इसमें total number of cells आ जाएगी 4, 3 variable का बात करेंगे तो total cells आ जाएगी 8 और 4 variable के लिए total number of cells आ जाएगी 16. Now look at the term, here the last digit is 2. Now, if you see this particular value as 2, so it should start with 0, 1 and 2. अब 0, 1, 2 किसमें cover हो सकता है? It can be covered in 4 cells and therefore we should go for the 2 variable data. Ab 0, 1, 2, 8 may be covered hota hai, lekin vacant cells jo badh jayenge. Yes, because of that, we'll go for 2 variable. So let us draw the 2 variable KMF first. Here I am drawing the 2 variable KMF. Let our first variable is A, which I write vertically, and other variable is B, which I write horizontally. So these are its triple digits. Now see, A single digit is, so it can have two values, 0, 1. B is again single variable, so it can have a value 0. Now we assign karenge cell number. This tarah se read karenge A, B. Combination mein, so A ko ho jayega 0, 0. A ho gaya cell number 0. 0, 1, cell number 1. 1, 0, cell number 2. 1, 1, this is cell number. Okay, so first step is to go for representation. अब जो present terms है, इसके across हम place करेंगे, उसके across हम place करेंगे one. Why one? Because whenever we are dealing with summation m, such kind of representations are called as SOP. इसको हम बोलेंगे sum of product. And in sum of product, जो terms present है, present terms के लिए हम one रखेंगे. अगर यहाँ पर POS form दिया होता, that is product of sum. तो जो भी प्रेजेंट टर्म है उसके अक्रॉस हम रख सकते हैं. ओके, सो एज वी आर डीलिंग विद एसओपी दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट वी आर प्लेसिंग. अब वन प्लेस करते हैं, 0 सेल इज प्रेजेंट माइन टर्म 0 उसके अक्रॉस 1, सेकंड 1 दिया है तो उसके अक्रॉस भी 1 रखेंगे, सेल नंबर 2 यानी माइन टर्म नंबर 2 उसके अक्रॉस भी हम रखेंगे. तो सो वी हैव प्लेस. अब इसके बाद हमें आइदर पेयर क्वाड या फिर ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए कोशिश करें. क्या करना पड़ेगा हमें, आइदर यू शुड गो टू फॉर्म अ पेयर दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल, यू शुड गो फॉर चेकिंग क्वाड दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वेरिएबल्स, और यू कैन गो फॉर ऑक्टेट दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8. अब यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम पेयर फॉर्म कर सकते हैं. पेयर फॉर्म करने के लिए जो एडजेसेंट सेल है उसमें जो प्रेजेंट वैल्यूज है वो कॉमन हो जाए. अब एडजेसेंट सेल कौन सा हो जाएगा, अब देखिए 0 और 1 ये दो एडजेसेंट है और उनके बीच में 1%, दैट मींस आई कैन फॉर्म अ पेयर बिटवीन 0 एंड 1. ये होगा हमारा फर्स्ट पेयर. आई विल राइट इट हियर, द फर्स्ट पेयर दैट वी आर फॉर्म विल बी सेल नंबर 0 एंड सेल. ओके, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो हम इसे रीड करते हैं. अब जाते हैं हम सेकंड पेयर की. अब देखिए यहाँ पर 1 अनकवर है सेल नंबर 2 में और उसके एडजेसेंट में 0, उसमें 1%, यानी कि हम 0 और सेल नंबर 2 के बीच में भी एक पेयर फॉर्म कर सकते हैं. सो वी कैन राइट दिस एज पेयर नंबर सेकंड व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नंबर 0 एंड 2. ओके गाइस, अब हम देखेंगे इसका एक्सप्रेशन किस तरह से लिख सकते हैं. एक्सप्रेशन पेयर नंबर 0 1 के लिए कंसंट्रेट करेंगे. 0 1 अगर हम देखते तो ये हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ. अब देख सकते हैं ये 0 1 सेल के लिए 1 का वैल्यू कॉमन है वो दैट इज 0,
और जीरो हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए बार, वही इट इज असाइंड विद ए। वहीं पर अगर हम जिस वन का बात करते हैं तो ये अनकॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ए। सिमिलरली बी जीरो विल बी बी बार एंड बी इज इक्वल टू वन विल बी फाइन। अब देखिए ए का वैल्यू आ गया ए बार, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा ए बार। अब ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों टर्म्स कवर हो रहे हैं जीरो वन में, एक तो जीरो और ये वन भी कवर। अगर हम जीरो प्लस वन करते हैं तो रिजल्ट वन आता है, यानी कि यहाँ से कुछ भी निकल नहीं सकता बिकॉज आंसर इज यस। सो ए बार इंटू वन विल बी इक्वल टू बी बार, दैट विल बी आई होप यू आर गेटिंग। अब जाते हैं पीयर नंबर जीरो टू के लिए। जीरो टू अगर हम बात करते हैं तो ये जो पीयर हमने फॉर्म किया है ये कुछ वर्टिकल है, और वर्टिकल में अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों सेल्स के लिए बी का वैल्यू कॉमन है और क्या वैल्यू है जीरो। जीरो यानी एक्सप्रेशन के फॉर्म में क्या आ जाएगा बी बार, इट विल बी बी बार। अब वर्टिकली अगर हम बात करते हैं, वर्टिकली जीरो टू में ए का वैल्यू यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर है वन, मैंने एड बोथ दिस जीरो प्लस वन इट विल बी वन, यानी कि अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा वन। सो बी बार इंटू वन विल बी वन। अब ये जीरो प्लस वन वन किस तरह से ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बार और यहाँ पर है ए, आई कैन एड दिस टू टर्म्स ए बार प्लस ए, वी नो दैट ए प्लस ए बार विल बी इक्वल टू वन। तो इसका कुछ वेरिएबल नहीं आएगा, इसलिए हम इसको लेते हैं ओके। अब हम फाइनल एक्सप्रेशन लिखते हैं, दो प्रोडक्ट टर्म्स का हमें करना है एडिशन, सो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, पहला प्रोडक्ट टर्म हमारे पास है ए बार प्लस सेकेंड वन क्या है बी बार, सो ये आंसर आ जाएगा ए बार प्लस, आंसर क्या आ गया ए बार प्लस। ओके गाइज, सो दिस इज द सिंपल स्टेप दैट वी आर फॉलोइंग टू मिनिमाइज यूजिंग टू वेक्टर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एफ इज इक्वल्स टू दिया हुआ है जीरो वन थ्री, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट डिजिट थ्री है, थ्री लेस देन फोर है, यानी कि हम टू वेरिएबल के में यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, तो आई कैन पुट अगेन आई कैन ड्रॉ ए टू वेरिएबल के में, थोड़ा जल्दी से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वेरिएबल ए लिया, दूसरा लिया बी, इनका वैल्यू जीरो वन और जीरो वन, ये सेल नंबर है जीरो, ये है वन, ये है टू और ये है थ्री। अब वैल्यू प्लेस करेंगे, सेल नंबर जीरो प्रेजेंट है तो वैल्यू आ जाएगा वन, वन भी प्रेजेंट है तो वैल्यू आ जाएगा वन, थ्री भी प्रेजेंट है तो वैल्यू आ जाएगा ठीक है। अब देखते हैं कि पेयर फॉर्म हो सकता है क्या नहीं, तो सबसे पहले पेयर देखिए जीरो वन में वन वन प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा फर्स्ट पेयर, आई कैन राइट पेयर नंबर वन एज जीरो कॉमा वन। अब दूसरा पेयर देखिए यहाँ पर भी वन वन प्रेजेंट है तो ये भी हो जाएगा, यानी कि द सेकंड पेयर दैट वी कैन टेक विल बी पेयर नंबर वन एंड थ्री ठीक है। अब जीरो वन को रीड करेंगे एक्सप्रेशन के फॉर्म, जीरो वन हॉरिजॉन्टल है तो एक ही वेरिएबल आ जाएगा, उसका वैल्यू क्या है ए जीरो यानी कि ए बार, ए बार। अब ऊपर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बी बार है और यहाँ पर बी, तो बी प्लस बी बार विल बी वन, तो आई कैन राइट ए बार इनटू वन इट विल बी इक्वल टू ए बार। अब वन थ्री के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये वर्टिकली, वर्टिकली अगर हम देखते हैं तो इन दोनों के लिए बी का वैल्यू वन है, यस, तो फर्स्ट वेरिएबल क्या आ जाएगा बी। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ए बार है, यहाँ पर ये जीरो प्लस वन विल बी वन, सो बी इंटू वन विल बी, यानी कि फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट वेरिएबल ए बार प्लस विल बी ए बार। आई होप यू गेटिंग इट दैट द सेकंड एग्जांपल दैट वी हैव। नाउ लेट अस सी द थर्ड एग्जांपल, एफ इज इक्वल्स टू समेशन एम माइन टर्म्स है जीरो टू थ्री फाइव सेवन, लुक फॉर द लास्ट डिजिट सेवन। अब सेवन किसमें कवर हो सकता है, तो टू वेरिएबल में हम फोर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, थ्री वेरिएबल में कितना ले सकते हैं एट, यस। अब एट इज लेस देन सेवन, सॉरी सेवन इज लेस देन एट बट इट इज ग्रेटर देन फोर, तो इस हिसाब से हम कितना वेरिएबल यूज कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर थ्री वेरिएबल, लेट अस गो फॉर थ्री वेरिएबल के लिए। तीन वेरिएबल हम ले सकते हैं ए बी सी, तो मैं कॉम्बिनेशन किस तरह से लिखता हूँ, ए और बी सी का एक ग्रुप, यानी कि ए इंडिविजुअल है और बी सी का ग्रुप हो जाएगा, ए इंडिविजुअल है तो इसका दो वैल्यू आ जाएगा एक जीरो दूसरा वन। अब बी सी को किस तरह से लिखेंगे,
दो वेरिएबल लेने के फोर कॉम्बिनेशन है। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आ जाएगा 0 0, सेकंड में 0 1, थर्ड में 1 1 और फोर्थ में आ जाएगा 1। लेट अस असाइन द वैल्यूज। सेल नंबर 0 1, ये 2 और ये हो जाएगा 3। दिस इज 4 5 6 और 7। यहाँ पर गलती हो सकती है। अब इस तरह तरीके 0 1 2, अरेंजमेंट इज डिफरेंट, 0 1 2 और 3। ये क्यों, ये हम बात के वीडियो में भी देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको 1 1 और इसको 1 2। अब सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज। 0 प्रेजेंट है तो मैं लगूंगा 1, 2 भी प्रेजेंट है 1 रखिए, 3 प्रेजेंट है तो 1 यहाँ पर प्लेस करेंगे। सेल नंबर 5, माइंड ऑफ नंबर 5 और माइंड ऑफ नंबर 7, ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू। नाउ व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप, ट्राई टू चेक फॉर पेयर क्वैड और ऑक्टेट। ओके सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरह से हम इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो देखिए 3 और 2 एडजेसेंट है और 1 1 प्रेजेंट है, सो आई कैन फॉर्म अ पेयर बिटवीन सेल 2 एंड 3। वी पुट पेयर नंबर 1 बिटवीन 2 एंड 3। ओके नेक्स्ट वी हैव 5 7 एडजेसेंट टू ईच अदर, यस बोथ आर हैविंग 1, सो आई कैन राइट पेयर नंबर 2 इन बिटवीन 5 एंड 7। ओके अब ये चारों तो कवर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0 के अक्रॉस 1 है और यहाँ पर एडजेसेंट सेल में कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है, तो आई कैन गो फॉर इंडिविजुअल, आई कैन गो फॉर व्हाट इंडिविजुअल। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दिस 0 0 इज एडजेसेंट टू 1। ओके यस, क्योंकि हम अगर इसको यहाँ पर लिखे थे तो ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट, यानी कि दो सेल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। अगर ये दो सेल एडजेसेंट है तो देखिए 0 के अक्रॉस 1 है और 1 2 के अक्रॉस भी 1 है, तो हम इस 0 और यहाँ के 2 में एक पेयर बिकॉज बोथ आर हैविंग 1, सो आई कैन राइट द थर्ड पेयर, पेयर नंबर 3 क्या आ जाएगा 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच। ओके इंटरेस्टिंग, ऑलवेज। अब देखिए 2 और 3 के बीच में जो एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे। 2 3 हॉरिजॉन्टल है तो इसका जो वैल्यू है देख सकते, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू एक 0 है, तो ये जाएगा ए बार, दिस विल बी ए बार। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मैं इसका वैल्यू लिखता हूँ बी बार सी बार, बी बार सी बी सी और ये हो जाएगा बी इंटू सी। चलिए अब 3 और 2 के बीच में अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें बी सी मिला है, यहाँ पर बी सी बार, तो इन दोनों में अगर हम टर्म कॉमन निकालना चाहेंगे तो टर्म क्या आ जाएगा बी। अगर बी कॉमन निकलता है, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी सी बी सी बार, इफ आई टेक बी एज कॉमन what will be left, c plus c bar, c plus c bar will be 1, so I can do transfer root. We are trying to simplify the expression, so second variable आ जाएगा। next 5 7 में, 5 7 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर common term a is equals to 1 है, तो ये आ जाएगा a। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो first value क्या है हमारे पास b bar c plus second value क्या दिया है देखिए b c, इन दोनों के बीच में हम सी कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या रह गया बी बार प्लस बी, बी बार प्लस बी इज 1, व्हाट विल बी लेफ्ट सी। ओके सो आई कैन टेक दिस एज सी, ये टाइप दिस। अब 0 और 2 के बीच में अगर हम देखते हैं तो अगेन ए इज इक्वल्स टू 0 दिया है, तो ये आ जाएगा ए बार। ओके अब देखिए 0 के लिए 0 0 और यहाँ पर 1 0, यहाँ पर दिया है बी बार सी बार, बी बार सी बार प्लस यहाँ पर है बी इंटू सी बार, इन दोनों में हम सी बार कॉमन निकल सकते हैं, तो क्या रह गया बी बार प्लस बी, व्हाट विल बी द आंसर सी बार, दिस वेरिएबल की। अब उन तीनों का क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड देम, सो फाइनल एक्सप्रेशन विल बी एफ इज इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए सी प्लस ए बार इंटू सी प्लस ए बार इंटू सी, सो दिस विल बी the minimized expression using 3 variables. Okay, so we'll stop here and in the next video we will again see 3 variable as well as 4 variable payment.